विश्वनाथ की नगरी काशी। यहाँ के अति प्राचीन मंदिरों, गलियों एवं गंगा की अविरल धारा के लिए जानी जाती है। गंगा की इसी धारा को स्वच्छ एवं निर्मल करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। गंगा का जल सिर्फ जल नहीं है, अपितु काशी वासियों के आस्था का प्रतीक है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा निर्मलीकरण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी में प्रतिदिन 300 MLD का सीवेज उत्पन्न होता है, जिसके शोधन के लिए वाराणसी में 362 MLD क्षमता के STP कार्य कर रहे हैं। 50 MLD का शोधन संयंत्र रमना में निर्माणाधीन है, जो बहुत जल्द कार्य करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही पूरे शहर में कुल 410 MLD के शोधन संयंत्र कार्य करने लगेंगे, जो कि वर्ष 2035 तक के लिए पर्याप्त हो जाएगी। लगभग 300 MLD का सीवेज का जनरेशन वाराणसी में होता है, जिसमें से पहले 102 MLD का ट्रीटमेंट हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास केवल 102 MLD की ही ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी। बाद में अभी पिछले 3-4 वर्षों में हमने 2 STP प्लांट बनाए हैं, जिसकी कैपेसिटी 260 MLD दोनों मिला करके टोटल, और वर्तमान में हमारे पास इस हिसाब से हमारे पास जो है 362 MLD ट्रीटमेंट कैपेसिटी हो गई है। अभी 50 MLD का हमारा एक निर्माणाधीन है रमना में, तो इसके होने के बाद में हमारे पास टोटल 410 MLD कैपेसिटी हो जाएगी, जो वर्ष 2035 तक के लिए पर्याप्त होगी। दीनापुर में 80 MLD का पुराना तथा 140 MLD का नया इन दोनों शोधन संयंत्रों से काशी में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी क्षमता के साथ सीवरेज शोधन एवं निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले मल जल को पहले चौका घाट के मुख्य पंपिंग स्टेशन पर इकट्ठा करके छनाई की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद इस जल को दीनापुर शोधन संयंत्र पर भेजा जाता है। यहाँ दीनापुर में इसका शोधन करके साफ हुए जल को वरुणा नदी में भेजा जाता है। 6 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित 120 MLD क्षमता का गोईटहा शोधन संयंत्र 150 किलोमीटर सीवरेज पाइप नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ शिवपुर, पहड़िया, पांडेपुर के आसपास के क्षेत्रों का मल जल और सीवरेज का पानी पाइप के माध्यम से पहले मुख्य पंपिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यहाँ से प्राथमिक शोधन क्षेत्र में भेजा जाता है, जहाँ इस मल जल को शोधित करके वरुणा नदी में छोड़ा जाता है। गोईटहा के इस संयंत्र में शोधित जल का फिजियो केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि शोधित जल कितना शुद्ध है। लैब में प्रोसेस के बाद इसका pH, TSS और BOD लेवल मानक अनुसार चेक किया जाता है। इस लैब में हम फिजियो केमिकल एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम उसका pH, TSS, BOD, COD निकालते हैं, और जिससे पता चलता है कि हमारा पानी कितना साफ हुआ और पहले कैसे था। तो यहाँ पे जो हमारा पानी आ रहा है, हमारा सब घर से और सब जगह से पानी आ रहा है, उसको हम ट्रीट करते हैं SBR टेक्नोलॉजी से, जो है सिक्वेंशियल बैच टेक्नोलॉजी। उसके अंदर हम पानी को एरिएशन करते हैं, उसको हम होल्ड करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं सारे सेटल हो जाते हैं, और हमारा जो पानी होता है ऊपर का लेयर, हम जो हमारा पूरा साफ क्लीन वाटर होता है उसका हम डिकेंडिंग करवा के उसको हम एक टेक्नोलॉजी है UV टेक्नोलॉजी, जिससे अंदर उसके हमारे जो बैक्टीरिया हैं उससे हम उनको मार के उनको हम आगे भेज देते हैं, जिससे वो पानी हमारा किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है, पीने के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ से साफ किया हुआ पानी पीने के अलावा अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके व्यावसायिक उपयोग के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वाराणसी में रेलवे के डिब्बों और स्टेशन की धुलाई के लिए 5 MLD पानी की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। इसके अलावा गोईटहा से कैंट के रास्ते में पड़ने वाले होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों को पानी की आपूर्ति के लिए संपर्क किया जा रहा है। रेलवे विभाग ने भी
अपने उपयोग के लिए कुछ पानी हमसे मांगने मांगा है, उसकी परियोजना भी बनाई जा रही है, विचाराधीन है और इस पर लगातार विचार करते हैं। यदि ये परियोजना बन जाती है तो इससे हमको जो गंगा में सीवेज हम सीधे डालते हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका हम पानी अपने कार्यों के लिए उपयोग कर लेंगे। वाराणसी में कुल 23 नाले हैं, जिनमें 20 को टैप करके सीधे चालू एसटीपी से जोड़ दिया गया है। 80 सहित बचे 3 नालों को रमना में निर्माणाधीन 50 एमएलडी शोधन संयंत्र से टैप किया जाएगा। इसके बाद गंगा में गिरने वाला मल जल बिल्कुल रुक जाएगा, गंगा निर्मलीकरण का प्रयास संभव हो सकेगा। एक जो हमारा मेजर फ्लो है वो 80 नाले के थ्रू जो गंगा नदी में मिल रहा है वो हमारा मेजर कंसर्न है, जिसके लिए जो एसटीपी निर्माणाधीन है वो हमारा मार्च 21 तक बनके तैयार हो जाएगा। मार्च 21 में हम इसको चालू कर देंगे। मार्च 21 में जब इसको हम डाइवर्ट कर देंगे तो गंगा नदी में जो मेजर फ्लो जा रहा है शहर की साइड से वो हमारा गिरना बंद हो जाएगा। शहर के बाहर के नालों के गंदे पानी को स्वच्छ करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए रामनगर क्षेत्र में एक 10 एमएलडी का एसटीपी भी निर्माणाधीन है। रामनगर में स्थापित होने वाले इस संयंत्र से आसपास के क्षेत्रों के मल जल को शोधित करके पानी को साफ किया जा सकेगा। सरकार का ये प्रयास रंग लाने लगा है। नमामि गंगे परियोजना गंगा निर्मलीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करके गंगा को आचमन योग्य बनाने में सफल दिख रहा है।